हमारा आज टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का लॉजिक क्या है और कैसे इसको हम लोग हासिल करते हैं। इसको समझने के लिए मान लें कोई आदमी पॉइंट ए पर खड़ा है और वो पॉइंट ए से चला गया पॉइंट बी पर, ठीक है, फिर बी से चला गया पॉइंट सी पर, ठीक है, और फिर सी से होते हुए वो चला आया पॉइंट डी पर, ठीक है, और मान लेते हैं कि डी से वो आते हुए फाइनली ई पर चला आया, ठीक है। यानी देखो उस पार्टिकल का मूवमेंट पहले ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से डी की ओर और डी से ई की ओर हुआ है। यानी ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ई इसका एंडिंग पॉइंट है, तो हम इसको स्टार्ट लिख देते हैं और इसको हम लोग एंड लिख देते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डायरेक्ट मिलाएं, ठीक है, ये जो डायरेक्ट मिलाएं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जो डायरेक्ट मिलाया जा रहा है, एरो भी दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो एक नया वेक्टर यहाँ पे आया जो केवल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बता रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। यानी कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि पहले ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी और उसके बाद डी ई। जब इनको जोड़ा गया तो इनको जोड़ करके फाइनली क्या आया, फाइनली आया ए, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात हम बता दें कि जैसे वेक्टर दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, समझे, तो रिजल्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल यही है ना। लेकिन अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर होंगे, है ना, तो उनका भी रिजल्टेंट ऐसे ही आए, हाँ, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाए ये हम खुद अपना दिमाग लगाएंगे, है ना, वो अपना बस में होगा। जैसे देखो मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट होकर के एक पार्टिकल पॉइंट बी तक गया, ठीक है, इसके बाद मान लिया जाए कि बी के बाद जो है वो चला गया सी पे, बस, तो यहाँ पे दो वेक्टर हो गए, है ना। यानी हमें ए बी और बी सी दिया गया है। मूवमेंट को दोबारा देख ले, पहले पार्टिकल ए से चलना चालू किया और ए से चलते हुए कहाँ आया, बी तक, और उसके बाद वो बी से चलते हुए कहाँ चला गया, सी तक, है ना। यानी इस पूरे प्रोसेस में ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और सी इसका एंड पॉइंट है, है ना। तो अगर हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को मिला देंगे तो नियम के अनुसार ये जो एक लाइन यहां पे आया इसी को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। अब यह रिजल्टेंट यानी ए बी और बी सी का रिजल्टेंट हमारा ए सी आएगा। अब हम इस रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके लिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल अप्रोच लगाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं जो ए बी ये पूरा है, इसका लंबाई ए मान लिया जाए, ठीक है, और ये जो बी सी है हम इसका लंबाई को बी मान लेते हैं, है ना। तो एक चीज और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, और जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था उस डायरेक्शन से ये थीटा एंगल बनाते हुए अपना रास्ता को मोड़ लिया, है ना। तो इसलिए हम लोग सोच ये रहे हैं कि किसी तरीका से इस रिजल्टेंट को हम लोग हाइपोटेनियस बना दें, समझे।
अगर रिजल्टेंट को हाइपोटेनियस हम बना देंगे तो निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें सी से एक परपेंडिकुलर डालना होगा और मान लेते हैं एम, है ना। अब क्योंकि ये बी है और ये थीटा है तो रिजॉल्व करेंगे तो ये जो बी एम आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा, और जो सी एम आएगा ये वाला ये आ जाएगा बी साइन थीटा। अब हमें रिजल्टेंट को निकालना है तो हमें लेना होगा इन ट्रायंगल ए एम सी, और ए एम सी में हम अगर ए सी को निकालेंगे तो ए सी का वैल्यू यहां पे आएगा ये पूरा ए एम का स्क्वायर, ए से लेकर के एम तक हमारा बेस हो गया, और जो सी एम का स्क्वायर होगा ये अल्टीट्यूड हो गया। हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, और जो सी एम है ये हो जाएगा बी साइन थीटा। और आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर पाएंगे कि ये हो जाएगा, फाइनली हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आया, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने क्योंकि ट्रायंगल से इसका रिजल्टेंट लाया, समझे, तो इस नियम को हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ऐसा नाम इसका बोलेंगे, क्योंकि हमने यहां पे ट्रायंगल का यूज किया। कोई कोई आदमी करता क्या है कि चीज यही होता है, लेकिन देखो दोबारा समझ लेते हैं, पॉइंट ए से कोई पार्टिकल बी तक गया, बी से होते हुए वो सी तक गया, है ना। तो जब ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, इसका मतलब देखो ए से सी तक हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको हम आर से लिख देते हैं, आर का मतलब यहां पे हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो जैसे ट्रायंगल में निकाला गया था और यहां पर आपको बताया गया था कि थीटा है, वैसे ही हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। तो अगर हम BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लें और AB के भी पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दें, तो ये ABC और इसको मान लेते हैं ये D है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या है, डायगोनल है ना, पैरेललोग्राम में क्या है, डायगोनल। और हम ऐसा मान सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है यहां पे चला आया, यानी अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो बी हमारा यहां पे चला आया, है ना। अब देखो दोनों वेक्टर का सेम टेल है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, बात वही है, लेकिन ये पैरेललोग्राम बना है, इसको निकालना है, है ना, यही रिजल्टेंट है। इसका भी वही तरीका है, सेम प्रोसेस, यानी कि अल्टीट्यूड यहां पर डालेंगे m और b को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा b cos थीटा, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा b sin थीटा, और फिर इसको हमको लोग उसी प्रकार निकाल देंगे और जो रिजल्टेंट हमारा आएगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, हो गया। अब क्योंकि रिजल्ट वही आया है ना, लेकिन बनाने का तरीका क्या था, एक पैरेललोग्राम बना करके, तो इस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, आपने यह देखा होगा कि इनके मैथमेटिक्स में
किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम तरीका से दोनों बनाया गया है ना, लेकिन रिजल्ट निकालने का तरीका अलग अलग था। इसको पैरेललोग्राम से निकाला गया जबकि इसके पहले ट्रायंगल से निकाला गया था, है ना, लेकिन दोनों सेम है, घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग डायरेक्शन की बात यहाँ पे करते हैं, तो डायरेक्शन में देखो क्या होगा कि चाहे हम लोग किसी भी नियम से क्यों ना बनाए, तो डायरेक्शन में क्या होगा, देखो अगर हम लोग इसको दोबारा यहाँ पर बनाना चाहेंगे तो ये हमारा R हो गया, इसके बाद ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, ठीक है ना, A, B और R, और हमें दिया गया है दोनों के बीच का एंगल थीटा मालूम है। अगर हम ये मान लें कि यह जो रिजल्टेंट है, यह रिजल्टेंट A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, और हम ये मान लें कि ये B के साथ, हम इसको आगे कर देंगे, इसको भी आगे कर देंगे, तो टेल टू टेल ज्वाइन हो गया, और B के साथ मान लेंगे बीटा एंगल बना रहा है, तो करेस्पोंडिंग एंगल से ये भी क्या आ जाएगा, बीटा, है ना। तो अगर हम लोग साइन ला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, साइड अगर हम लोग ए लेंगे, है ना, साइड अगर हम लोग ए लेंगे तो ए के सामने आ जाएगा साइन बीटा। इसी तरीका से अगर हम लोग साइड बी लेते हैं तो बी के सामने आ जाएगा साइन अल्फा, और अगर हम लोग रिजल्टेंट आर ले लेते हैं तो आर के सामने यह एंगल आएगा जो कि आएगा साइन 100 माइनस थीटा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा इज इक्वल टू आर, और ट्रिगो से इसका फार्मूला होता है साइन थीटा। अब ध्यान से देखें, अगर हम लोगों को इसमें ए मालूम हो, बी मालूम हो, रिजल्टेंट मालूम हो, थीटा मालूम हो, है ना, तो साइन बीटा और साइन अल्फा इन दोनों को निकाला जा सकता है, या डायरेक्शन को और भी तरीका है निकालने का, जैसे इसी ट्रायंगल में आ जाओ, अगर हम मान लें कि ए वेक्टर ए के साथ यह रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहा है, समझे, तो आप इस ट्रायंगल में ले सकते हो, इस ट्रायंगल में अगर आप निकालिएगा टैन अल्फा इज इक्वल टू अल्टीट्यूड यानी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस, जो कि आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना, तो इससे भी निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का टेक्निक ये है कि आप लोग याद किए होंगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे tan थीटा नहीं, क्योंकि ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब ए और बी के बीच का एंगल, तो हम साइन थीटा ही लिखेंगे और नीचे में कॉस थीटा ही लिखेंगे, समझ में आया। अंतर ये है क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में हमें डायरेक्शन निकालना है, है ना, तो जब ए के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकालना है तो हम उल्टा से गुना करेंगे यानी बी से गुना करेंगे, समझे, जिस साइड के रेस्पेक्ट में हमें निकालना होगा एंगल हम उसके उल्टे साइड से गुना करेंगे और बट्टा के नीचे उस साइड को जोड़ देंगे। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक से आप फार्मूला को बढ़िया से याद रख सकते हैं। तो ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर, किस तरीका से मैथमेटिक्स हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है।